बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो का टॉपिक है एरिका पाम बेनिफिट्स एट होम। एरिका पाम जो कि एक इंडोर प्लांट है और हवा को साफ करने में मदद देता है। ना सिर्फ हवा को साफ करने में मदद देता है बल्कि टॉक्सिक इंडोर केमिकल्स होते हैं जैसे जाइलीन है और टॉलिन है, उनको भी हवा से रिमूव करता है। CO2 को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है और हमारे लिए जो है वो एक साफ हवा मुहैया करता है जिसमें हम जो है वो इजीली सांस ले सकते हैं। ये एक ह्यूमिडिफायर प्लांट भी है जो इंडोर एनवायरनमेंट को ह्यूमिड करता है और अपने इर्द गिर्द के माहौल को जो है वो नमी प्रोवाइड करता है। एरिका पाम के लीव्स नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं, जिस तरह जो है वो एयर प्योरीफाइंग मशीन्स होती हैं वो भी यही करती हैं, नेगेटिव आयंस को प्रोड्यूस करती हैं। और नेगेटिव आयंस जो हैं जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं उनके साथ अपने आप को अटैच करके जो है वो उनको डिनॉर्मलाइज करती है और ये ऑक्सीजन ये CO2 की फॉर्म में जो है उसको इनटेक करता है ये प्लांट और उसे ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। स्टडीज ये बात साबित करती हैं कि नेगेटिव आयंस जो हैं वो अगर एनवायरनमेंट में मौजूद हों तो वो हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, इम्प्रूव करते हैं और हमें जो है वो हेल्दी रहने में और मेंटली फिट रहने में मदद देते हैं। नासा की रिसर्च के मुताबिक एरिका पाम एक बेहतरीन एयर प्योरीफायर प्लांट है जिसे हम इजीली जो है वो इंडोर प्लेस कर सकते हैं, ब्राइट लोकेशन पर प्लेस कर सकते हैं। इंडोर बिल्डिंग्स में जो है ये एक पर्सन के लिए चार प्लांट्स जो है जिनकी हाइट शोल्डर हाइट हो, जैसे ये प्लांट काफी ग्रो कर गया हुआ है तकरीबन जो है वो ये 3 फिट इसकी हाइट होगी, इसी तरह से जो है वो 4 फिट हाइट तक प्लांट्स होने चाहिए, आपकी शोल्डर हाइट तक होने चाहिए जो प्लांट्स 4 आपके एक इंसान के लिए इंडोर बिल्डिंग्स में काफी हैं। और एयर बेस्ड प्यूरिफिकेशन के लिए हमें हफ्ते में कम से कम एक दफा एरिका पाम के लीव्स को जो है वो शावर करना जरूरी है, इसे इन्हें साफ करना जरूरी है ताकि जो है वो ये जितने ज्यादा साफ होंगे उतनी अच्छी ये एयर प्यूरिफिकेशन कर सकेंगे, इनके लीव्स जो है उतना अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। इसलिए जो है इंडोर अगर आपने प्लेस किया हुआ है तो इसे हफ्ते में कम से कम एक दफा जो है वो इसके लीव्स को लाजमी धोएं। डॉक्टर वॉल्वर्टन के डाटा के मुताबिक जो ये प्लांट है एरिका पाम ये 8वें नंबर पर है उन प्लांट्स की लिस्ट में जो फॉर्मेल्डिहाइड एक टॉक्सिक केमिकल है उसको खत्म करने में मदद देते हैं। एयर प्यूरिफिकेशन के लिए भी जो है वो ये प्लांट यूज हो सकता है, इस प्लांट को आप ऑर्नामेंटल पर्पजेज के लिए भी यूज कर सकते हैं, अपने टेबल के ऊपर ट्रॉपिकल लुक देने के लिए जो है वो इसे टेबल्स पे भी प्लेस कर सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह पे इंडोर आप इसे प्लेस करेंगे जहां पे इसे ब्राइट लाइट मिलती हो, इनडायरेक्ट सनलाइट इसे ना मिलती हो। इनडायरेक्ट सनलाइट में अगर ये प्लांट रखा होगा तो इसके लीव्स जो है वो जलने लगेंगे और प्लांट के ऊपर बर्निंग आने लगेगी। इंडोर के लिए ये प्लांट इसलिए प्रेफरेबल है कि इसको जो है वो कम लाइट की जरूरत होती है, ज्यादा लाइट नहीं चाहिए होती, इसे कम पानी की जरूरत होती है, इसे ज्यादा केयर की जरूरत भी नहीं होती, तो ऑलमोस्ट जीरो फिटीक केयर प्लांट्स के करीब करीब ये प्लांट है, तो इसे हम इंडोर इसीलिए प्लेस कर सकते हैं। और इसे इंडोर ग्रीनरी को बढ़ाने के लिए भी जो है वो इसको यूज किया जा सकता है, इसके लीव जो है वो लश ग्रीन रहते हैं, इंडोर प्लेस किए हों, साफ किए हों, हफ्ते में कम से कम एक दफा जो है वो आप इसके लीव्स को शावर करें, वाइप करें, तो ये जो है वो बेस्ट ग्रीनरी प्रोवाइड करता है इंडोर एनवायरमेंट में। और ये प्लांट जो है ये पेट्स के लिए और बच्चों के लिए भी जो है वो फिजिबल प्लांट है, इसे जो है इजीली इंडोर प्लेस किया जा सकता है, ये बच्चों को नुकसान नहीं देगा, पेट्स को नुकसान नहीं देगा, अगर वो इसके लीव्स च्यू कर भी लेते हैं उससे कोई नुकसान नहीं होगा। ये सब बेनिफिट्स थे जो इस वीडियो में मैंने आपसे शेयर करने थे, इन सब बेनिफिट्स की वजह से जो है वो इसे मोस्ट इफेक्टिव इंडोर प्लांट भी कहा जाता है और मोस्ट इफेक्टिव बनाता है इस प्लांट को ये सारी करेक्टरिस्टिक्स मिलके कि ये प्लांट जो है वो आप इंडोर प्लेस कर सकते हैं। आप भी जो है वो जरूर इंडोर प्लांट्स में इसे कंसीडर कीजिए, एरिका पाम को लेके आइए, इसे इंडोर प्लेस करिए, इसकी केयर करिए और इससे जो इसके जो फायदे हैं वो आप सब हासिल कीजिए। ये इन्फॉर्मेशन थी जो इस वीडियो में मैंने आपसे शेयर करनी थी। नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें और प्लांट से प्यार करें। गुड बाय।